रूस में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहां पहुंच रहे हैं। मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए? अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या? इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। सही है। इस मुल्क में जो हमारी क़यादत है, हाँ? वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। अच्छा, वो एक रिग इलेक्शन के थ्रू हमारे मैंडेट, आप मैं कह रहे मैंडेट नहीं मिला जिसको। अब उसमें ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका चाइना जो था वो कोशिश कर रहा था कि नखरे दिखाए, आऊंगा नहीं आऊंगा, नखरे दिखा। इंडिया ने कहा तो अपने नखरे अपने पास रख, मत आ, हम इस मीटिंग को ही कंडक्ट नहीं करवाते, वर्चुअली आ जाओ सारे के सारे। रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये जेन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। भाई तो मैं कह रहा हूँ याया सिन्वर कोई बड़ा छोटा नाम नहीं है भाई, बहुत बड़ा नाम है। याया सिन्वर इज अ वेरी 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 बिग कैच फॉर इजराइल। याया सिन्वर को उड़ा देना, उसके पहले इस्माइल हानिया को उड़ा देना, उसके पहले जिसको चाहे उड़ा दिया, उन्होंने कुछ बचा ही नहीं, सारी टॉप रिंग उन्होंने, टॉप रंग लीडरशिप ऑफ द हमास खत्म कर दी उन्होंने। हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो ये मैनमेड क्राइसिस खड़ा हो गया है, बहुत बहुत खौफनाक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बेवक्त का। हालांकि इस वक्त इश्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट वी आर इन द रीजन एंड हाउ इंपॉर्टेंट वी आर इन द ब्रिक्स। यू आर एट द मर्सी ऑफ इंडिया इन केस यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इनविटेशन पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस का दौरा करेंगे। बता दें कि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्यों देशों के साथ बायलैटरल बैठक कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर चीन से गुहार लगाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करो। पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने देंगे या नहीं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ब्रिक्स सदस्यों के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के पास मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, इसलिए भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं देगा। रूस के कजान में आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। लगभग एक साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर होंगे। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ही रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को SCO का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जारी बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये जेन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है,
लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। ठीक है जी, तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, या आइंदा आने वाले दिनों में अमरीका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसके इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं, बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, खासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन एंड हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द ब्रिक्स। यू आर एट द मर्सी ऑफ इंडिया इन केस यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है या जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल एट एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस का मौकअप ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपेंड किया जा सके। ये तो समझ आती है कि हम वहां पर एक नई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, सर पाकिस्तान को चाइना बोल रहा कि इसको ब्रिक्स का एंटर कर दीजिए, पता लगे वो तो ब्रिक्स से चोरी करके ले गए। सर ब्रिक्स में चाइना को जरूरी है पाकिस्तान। पाकिस्तान को चाइना ने अभी तक $69 बिलियन का लोन दिया हुआ है और वो क्या करना चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को लेके आना चाहता है। ब्रिक्स में अगर वो आ गया तो ब्रिक्स के बहाने उसको लोन मिलेगा। देखिए ब्रिक्स की करेंसी में जो जिनका हिस्सेदारी रहेगी उसमें ब्रिक्स प्लस मेंबर रहेंगे, 8 या 9 मेंबर की अभी उसमें भागीदारी है। तो अगर पाकिस्तान को अगर $10 बिलियन भी लोन देते हैं तो चाइना का आएगा शेयर आएगा 1 बिलियन। पर चाइना क्या करेगा, 69 माइनस 10 कर देगा उसके पर्सनल अकाउंट में से, उसको 59 कर देगा। तो एक तरह से चोरी करने के लिए चाइना बोल रहा है कि पाकिस्तान को लेके आओ, इनसे बोलेगा कि आप इनसे कर्जा लो और वो कर्जा मुझे चुकाओ। इंडिया डेफिनेटली मना कर देगा। बाकी रही बात ब्राजील और साउथ अफ्रीका की, तो वो लोग भी इंडिया का स्टैंड जानते हैं, उनको भी मालूम है कि इंडिया इज अ फोर्स दैट विल स्टैंड अगेंस्ट चाइनीज हेगेमनी। चाइना का जो प्लान है यूनाइजेशन का, उसको रोकने वाला एक ही कंट्री है, वो है भारत। और आपको समझना पड़ेगा कि अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है 22 तारीख को कजान में रशिया में। सर जी 36 हेड ऑफ स्टेट्स आर गोइंग टू अटेंड दैट समिट। वो लोग वहां पे ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बना रहे हैं, ब्रिक्स डायमंड बोर्ड्स बना रहे हैं, ब्रिक्स का